हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनएस प्रश्न बैंक क्लास ए सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट देख लिए हैं, उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगर आपने किसी पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6, जिसमें हम टॉप मोस्ट अगेन क्वेश्चन देखेंगे। 23 क्वेश्चंस देखने वाले हैं पार्ट 6 में, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ हमें एक पद्य भाग का एक अंश दे रखा है, जिसे पद्यांश बोलते हैं। तो पद्यांश दे रखा है, हमें इसे केयरफुली रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पद्यांश है, कुदरत हमको रोज सिखाती, जग हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं, औरों के हित मरना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। जुगनू ज्यों थोड़ा थोड़ा ही, अंधकार हम हरना सीखे, बिन अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया, ये ददीची बनकर हर युग में, न्योछावर कर देते काम, मौसम चाहे कैसा भी हो, तरु की तरह निखरना सीखें। गहरी नदियां निर्झर जल नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो, इन सोतों की जनक कहते। ऐसे ही त्यागी बनकर हम, बूंद बूंद कर झरना सीखे। तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर सा पद्यांश दे रखा था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। कुदरत से रिलेटेड था ये पद्यांश, जिसमें हमें बताया गया है कि कुदरत में किस तरह से हमें कुदरत की तरह बनना चाहिए अपने जीवन में, ठीक है। तो यहाँ 116 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 116 क्वेश्चन है, कुदरत हमें क्या सिखाती है? अपने लिए जीना, जग हित में कुछ करना, दूसरों को दुख देना या दूसरों को परेशान करना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा जग हित में कुछ करना। कुदरत हमें क्या सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हमें औरों के लिए जीना सीखना चाहिए, क्योंकि खुद के लिए तो हर कोई जीता है, हमें जीना चाहिए औरों के लिए। तो यहाँ जग हित में कुछ करती है जैसे कुदरत, उसी तरह हमें भी करना चाहिए, यही सीख मिल रही है हमें इस पद्यांश में। तो यहाँ ऑप्शन बी को करेक्ट कर देंगे, जग हित में कुछ करना। 117 क्वेश्चन है, सूरज हमें क्या देता है? अंधेरा, बरसात, रोशनी, शीतलता। तो हमें सूरज देता है रोशनी, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है, अभिमान शब्द में उपसर्ग होगा। अभिमान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी, धन, मान। तो यहाँ अभी हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन ए को करेक्ट कर देंगे। 119 क्वेश्चन है, पेड़ का एक पर्याय जो इस कविता में आया है, नग, वृक्ष, तरु, नदियाँ। तो कौन सा पर्याय इस कविता में आया है? तरु, जो कि इस कविता में आया है। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं, बट इस कविता में तरु आया है, तो हम तरु को क्लिक करेंगे, ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे। 120 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है, पेड़ हमें क्या देते हैं? बीज, फल, फूल, ठंडी छाया, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का आंसर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें पेड़ बीज भी देते हैं, फल फूल भी देते हैं, ठंडी छाया भी देते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दे को करेक्ट करेंगे। 121 क्वेश्चन है, काया शब्द का अर्थ है, काया अर्थात शरीर, काम, काल, मानव, काया अर्थात शरीर, ठीक है। शरीर को कहा जाता है काया, उसकी काया कितनी सुंदर है, उसका शरीर कितना सुंदर है, इस तरह से बोला जाता है। तो काया शब्द का अर्थ है शरीर, ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 122 है, विलोम अर्थ वाले शब्दों का जोड़ा है, दिए गए शब्दों में कौन सा जोड़ा सही है विलोम अर्थ वाला? थोड़ा थोड़ा, ऊंचे नीचे, जग हित, बूंद बूंद। तो यहाँ है ऑप्शन बी को क्लिक कर देंगे, ऊंचे नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, निर्मल शब्द का संधि विच्छेद होगा, निर्मल का होगा विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ, नी, धन, मल, जिसमें विसर्ग क्या बन जाता है? आर बन जाता है, और जो रे है, रे क्या लग जाता है? मैं के ऊपर लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट 124 क्वेश्चन है, नदियों, झरनों व नालों का जनक किसे कहा है? किसे कहा है इनका जनक? तो यहाँ कहा है पर्वत को, पर्वत को माना गया है नदियों, झरनों और नालों का जनक। 125 नंबर का क्वेश्चन है, कविता के अनुसार चांद हमें क्या बांटता है? अमृत, धूप, अंधेरा, जल। चांद हमें क्या देता है? अमृत रूपी प्रकाश देता है। तो यहाँ आंसर क्लिक कर देंगे, ऑप्शन ए अमृत।
126 क्वेश्चन है दिन रात शब्द में समास है। यहाँ दिन रात को ध्यान से देखिए, यहाँ योजक चिन्ह लग रहा है। मैंने आपको कई वीडियोस में बता रखा है जहाँ भी योजक चिन्ह दिखता है तो वह समास होता है आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में अपोजिट वर्ड्स भी देखे जाते हैं, योजक चिन्ह वाले वर्ड्स भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रख के आपको क्लिक कर देना है द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ भी हमें एक पद्यांश दे रखा है जिसे हमें केयरफुली रीड करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पद्यांश है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहस से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म अयथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें यह अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निश्चित हैं शुद्र जंतु ही गाते। तो यह पद्यांश था, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द लक्ष्मी बाई की समाधि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो यहाँ ऑप्शंस है लघु समाधि, झांसी की रानी, स्मृतिशाला, अंतिम लीला स्थली। तो कौन सा प्रयुक्त नहीं हुआ है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है कौन सा शब्द। तो आंसर क्लिक कर देंगे ऑप्शन बी झांसी की रानी। 128 नंबर का क्वेश्चन है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी पंक्ति का आशय है। इस पंक्ति का आशय है आज़ादी के लिए प्राणों का बलिदान किया। 129 नंबर का क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन है। तो यहाँ आंसर क्लिक कर देंगे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई, उपयुक्त पद्यांश में किसका वर्णन है, लक्ष्मी बाई की समाधि का, जो झांसी की रानी लक्ष्मी बाई थी उनकी समाधि का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। 130 क्वेश्चन है, लक्ष्मी बाई कहाँ की रानी थी। तो आंसर क्लिक हो जाएगा झांसी की, ऑप्शन बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 है, उपयुक्त पद्यांश में कवि को रानी से भी अधिक प्यारी वस्तु क्या लगती है। रानी से भी अधिक प्यारी वस्तु लगती है कवि को रानी की समाधि, ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। 132 नंबर का क्वेश्चन है, अब रानी की समाधि रानी से भी अधिक प्यारी क्यों लगती है। तो यहाँ आंसर क्लिक हो जाएगा, इसे देखकर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की याद आ जाती है। तो ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। 133 नंबर का क्वेश्चन है, वीर का मान कब बढ़ जाता है। वीर का मान बढ़ता है उसकी रण में बलि होने पर। तो यहाँ आंसर क्लिक हो जाएगा ऑप्शन ए, जब वह रण में बलि हो जाता है, अर्थात रण में शहीद होने पर वीर का मान बढ़ जाता है। 134 नंबर का क्वेश्चन है, समाधि शब्द का बहुवचन होता है। समाधि का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन ए समाधियाँ। 135 नंबर का क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई किसकी भांति लड़ी। तो रानी लक्ष्मीबाई किसकी भांति लड़ी, आंसर क्लिक हो जाएगा ऑप्शन से वीर बाला सी, वीर बाला की भांति। 136 क्वेश्चन है, निराशा का विलोम शब्द होता है आशा। तो यहाँ क्लिक हो जाएगा आशा। 137 नंबर का क्वेश्चन है, सुंदर समाधियों की गाथा कौन गाते हैं। तो यहाँ आंसर क्लिक हो जाएगा, सुंदर समाधियों की गाथा गाते हैं ऑप्शन ए शूद्र जंतु। 138 है जो कि इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यही कहीं पर बिखर गई वह पंक्ति से आशय है। यहीं कहीं पर बिखर गई अर्थात वीर गति को प्राप्त हुई। तो यहाँ ऑप्शन ए को क्लिक कर देंगे। तो ये था हमारा NS प्रश्न बैंक क्लास ए सब्जेक्ट हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 6। इससे आगे हम पार्ट 7 भी देखेंगे जिसमें हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।